आज हम लोग जो अभिनंदन कर रहे हैं, ठीक कहा मंगल जी ने कि 1952 के बाद पंडित नेहरू मात्र एक बार ऐसे प्रधानमंत्री बने जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 60 वर्षों के आजादी के बाद आज पहली बार इस देश में लोकतंत्र में कोई एब्सोल्यूट गठबंधन की सरकार चलाने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों। और साथियों, हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है बिहार के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए लगातार यहां पर काम करते रहा है। लेकिन हम आज स्वागत कर रहे हैं सभी माननीय मंत्री जी का। अगले साल हमारा विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग मिलकर, एनडीए के एक एक साथी मिलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो, या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है साथियों। ये आग्रह करना चाहता हूं। और भारत सरकार में भी हमारे 8-8 मंत्री बिहार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने यहां एक सेल जरूर बना दीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है कि 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान बिहार और दिल्ली की सरकार देने का काम करेगा सर। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारत सरकार के जितने मंत्री हमारे यहां बैठे हैं, और चिराग जी और रामनाथ ठाकुर जी भी आने वाले हैं, सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह, ये सामूहिक तौर पर बिहार का विकास करना है। और जितने बचे हुए कार्य हैं, एक्सप्रेसवे हो, हॉस्पिटल का काम हो, हॉस्पिटल प्रत्येक लोकसभा में बनाने की बात हो, कई काम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस देश को विकसित बनाना है, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी साथियों। दूसरा विकास नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि हमने ही रोजगार दिया, याद कीजिए अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोग कहते थे हमने ही रोजगार दिया। उनको यह पता ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सुशील को मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और 2005 से लेकर 2022 तक में 25 तक में हम लोगों ने तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ और नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है अब 10 लाख नौकरी नहीं 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा साथियों। अभी तक 22 लाख लोगों को रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया और आगे भी हम 11 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी सभी नौजवानों को खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था करने का काम, यूथ क्लब की व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लोग, आप सोचिए, इस चुनाव में लोग कह रहे थे संविधान खतरे में है, और जिसने पूरी तरह संविधान को कुचलने का काम किया होगा वही लोग ये बात कह रहे थे। कोई कहते थे आरक्षण खत्म कर दूंगा। भाजपा को 10 साल हो गए साथी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, कभी भाजपा ने सब दिन आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही तब भी भाजपा और जनसंघ जो है समर्थन करने का काम कर रही थी। 1989 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही थी और भाजपा अपने 84 सांसद के साथ समर्थन कर रही थी। जब इस देश में लगा कि पिछड़ों को न्याय मिल गया, अति पिछड़ों को न्याय मिल गया, दलितों को न्याय मिल गया, आरक्षण मिल गया, तो मोदी जी की ही सरकार थी जिसने 10% स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम भाजपा की ही सरकार ने किया था। इसलिए ये देश है, और इस देश में आप भुला जाइए, कोई बिना आरक्षण का नहीं, एकदम कान खोल के सुन लीजिए,
कोई भी व्यक्ति जिसका 8 लाख से कम आमदनी हो, किसी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, वो सबको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन 8 लाख का आमदनी यदि आपको अधिक है उसको आरक्षण नहीं मिलता है। दलितों में, आदिवासियों में सबको आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज साथियों, सभी हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करना। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार स्वागत करते हुए सभी मंत्रियों का इतना ताली बजाइए कि सभी माननीय मंत्री बिहार के विकास के लिए काम पर लग जाए। साथियों तो स्वागत है ना पूरी तरह, तो सभी लोगों को, सभी माननीय मंत्रियों जी का, माननीय मंत्रियों का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए और बिहार के विकास में अगले 1.5 साल हम लोगों को लग जाना है। हम एक एक कार्यकर्ताओं को टारगेट देना चाहते हैं कि आप लोग लग जाइए। किसी का पक्का मकान नहीं बना है उसको चिन्हित कराना है, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है उसको चिन्हित कराना है। हमने युवा मोर्चा के साथियों को काम दिया है कि आप आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम कीजिए। और साथियों, नगर में भी और ग्रामीण में भी जो हमारे पक्के जो नाला बनने हैं, कहीं रोड बनने हैं, उसके लिए भी टारगेट हम लोगों ने किया है। यहाँ नितिन नवीन जी हैं और अशोक चौधरी जी जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये काम भी देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार का, बिहार का विकास अब एक ही काम है साथियों। देश में मोदी जी इस देश को समृद्ध बनाने में लगे हैं और अब हमारा काम है, हम लोगों का काम है बिहार को समृद्धि के पीक तक पहुंचाने का काम करना है। और जिस तरह एनडीए ने लड़ा है, 1996 से लगातार जो एनडीए का स्वरूप बना है, पूरे देश की स्थिति समझ लीजिए। आज 293 सीट जीतने के बाद भी इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जी हार गए। आपको पता ही नहीं है इंडी गठबंधन के लोग, इस देश में महागठबंधन के लोग, इनको कुछ पता ही नहीं है। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बनाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 40 में 30 सीट जिताकर फिर से मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बातों को विराम देते हुए और सबको धन्यवाद भी देता हूं कि झमाझम बारिश हो रहा है। किसान चिंतित थे, लगातार गर्मी झेल रहा था और अभी तो मंगल जी कृषि मंत्री यहां पर बैठे हैं और रामनाथ ठाकुर जी आने वाले, ये लोग ज्यादा चिंतित थे कि बिहार में कहीं सुखाड़ नहीं हो। अब झमाझम बारिश हुआ है तो किसानों के चेहरे पर भी खुशहाली आ जाएगी। यही शुभकामना करते हुए कि आगे 2025 तक पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।